हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि जो भी इस बार बिहार बोर्ड की तरफ से दोस्तों इंटर में दोस्तों एडमिशन के लिए दोस्तों ऑनलाइन दोस्तों अप्लाई किए थे, ठीक है, जो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका दोस्तों नाम नहीं आया दोस्तों, उसका दूसरा दोस्तों मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया दोस्तों, दूसरा सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। जो भी फेल स्टूडेंट दोस्तों बिहार बोर्ड की तरफ से पास हुए थे दोस्तों मैट्रिक में, वो फिर से इंटर में एडमिशन के लिए दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई किए, तो उसका सेकेंड मेरिट लिस्ट यानी दूसरा मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। और जो फर्स्ट वाले दोस्तों एडमिशन जिसका नहीं हो पाया था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था दोस्तों, उसका सेकेंड मेरिट लिस्ट में दोस्तों नाम आया है या नहीं आया दोस्तों कैसे चेक करेंगे, आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला, जो कि बिहार बोर्ड की तरफ से इंटर का दोस्तों सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो आपको डाउनलोड कैसे करना है अपना सेकेंड मेरिट लिस्ट, तो इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपने मोबाइल को दोस्तों गूगल क्रोम ब्राउजर में दोस्तों आना है, ठीक है, और आपको यहाँ पर टाइप करना है OFSS। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, डायरेक्टली उस लिंक को क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको इंटर दबाना है, इंटर दबाने के बाद आपके सामने एक ऊपर में इंटरफेस खुलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने क्लिक करी, यहाँ पे दोस्तों वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया, आपको क्लिक करने के बाद आपको इस ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको करना क्या दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे एक थ्री लाइन डॉट दिख रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पे एक थ्री लाइन डॉट दिख रहा होगा आपको, इस पर दोस्तों क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे थ्री लाइन डॉट दिख रहा है जो आपको यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, आपको फिर से क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, ठीक है, आपको स्टूडेंट लॉगिन पे दोस्तों करना है क्लिक। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, आपको भी दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से लॉगिन करने को कहेगा, आपको लॉगिन वाले बटन पे फिर से आपको क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा, आपको दोस्तों यहाँ पे पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, यहाँ पर आपका पासवर्ड पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर देख पा रहे हैं, आप मोबाइल नंबर डालना, आपका जो भी आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड SMS द्वारा भेजा गया होगा, आपको पासवर्ड डालना। ये जो कैप्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कैप्चर यहाँ पर डालना, उसके बाद आपको तो आपको कैप्चर यहाँ पर जो शो कर रहा है आपको यहाँ पर कैप्चर भरना, उसके बाद सबमिट पर दोस्तों करना है क्लिक। तो चलिए मैं फटाफट क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने सभी चीज़ यहाँ पे फिल कर दी, अब मैं यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दिया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने सबमिट वाला बटन पे क्लिक किया दोस्तों, तो आपको सामने कुछ ये लॉगिन में इसके पोर्टल में दोस्तों लॉगिन हो गया। आपको डाउनलोड करने के लिए आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट जो कहाँ पर जाना होगा दोस्तों, यहाँ पे एक आपको फिर से आपको थ्री लाइन डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बार दोस्तों करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने जरा से ऊपर करना, आपको यहाँ फिर ऑप्शन मिलेगा आपको दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड देख पा रहे हैं आप, मिल रहा होगा डाउनलोड इंटीमेशन, ठीक है, हाँ इंटीमेशन लिखा आ रहा होगा, डाउनलोड इंटीमेशन, इस पर एक बार आपको करना है क्लिक। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों, आपको करना है कि यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको जरा से दोस्तों नीचे से दोस्तों ऊपर करना है, ठीक है। देख पा रहे हैं इसका सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पे हो गया दोस्तों, ठीक है, TS कॉलेज हिस्सुआ नवादम दोस्तों इसका सिलेक्शन दोस्तों हुआ है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आपका यहाँ पर आप अपने हिसाब से इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कि आपका किस कॉलेज में आपका दोस्तों नाम गया है। ये दोस्तों सेकेंड मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया था इसी में आपका दोस्तों फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो कब का जारी कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है, ये सेकेंड मेरिट लिस्ट का दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेकेंड मेरिट लिस्ट देख पा रहे इसका मतलब सिलेक्शन TS कॉलेज हिस्सुआ में दोस्तों हुआ है। तो आप अपने मोबाइल से आप भी अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, जो कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का जरूर दबा दें। अगर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में अगर नाम नहीं आता तो उसको दोस्तों थर्ड मेरिट के लिए अप्लाई करने पड़ेगा, फिर से उसके पे मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।